अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफरीदी है और आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार न्यूज़ लाया हूँ जो है सऊदीया इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। बेसिकली जो सऊदीया के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो पाकिस्तान में 25 बिलियन डॉलर्स खर्च करें। इससे पहले जो है इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है, लेकिन एक था 2019 में शायद जो ऑयल रिफाइनरी का था वो 10 बिलियन डॉलर समथिंग का था, लेकिन दैट वाज नॉट टू मच बिग। लेकिन ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये 25 बिलियन डॉलर्स का है और ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये जो है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो व्हाट आई थिंक इज दैट इट विल चेंज द इकोनॉमी, द कंट्री, द डिफेंस, एवरीथिंग इन आवर कंट्री। तो मैं बात कर रहा था 25 बिलियन डॉलर्स की। तो जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने ये इससे पहले बहुत मुल्कों में जो है स्पेंड किया है, इन्वेस्ट किया है और दे हैव गॉट गुड आउटकम। तो इस बार पाकिस्तान में और फॉरेन मिनिस्टर जो सऊदी अरब के वो प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और इन आफ्टर सम वीक्स में भी द क्राउन प्रिंस बाय हिमसेल्फ विल विजिट पाकिस्तान। तो ये एक्शन जो है, ये इन्वेस्टमेंट, इट विल चेंज आवर कंट्री। तो बहरहाल जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने डिसाइड किया, दे विल स्पेंड ऑन रेकोडेक। रेकोडेक एक माउंटेन है जो लोकेटेड है बलोचिस्तान में, इट्स अंडर कमांड ऑफ पाक आर्मी। बलोचिस्तान में ये वाक़ है, इसमें बड़े बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसके बाद जो है बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जिस पर वो काम करेंगे। जैसा कि इसके बाद मेरा जो ओपिनियन है, जितना मेरा नॉलेज है, वो आईटी डिपार्टमेंट में जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक्शन भी जो है इट विल चेंज आवर कंट्री, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा लोग हैं जो कि आईटी में जा रहे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है या जो काम नहीं मिलता या उनके पास स्किल्स को जो है पॉलिश करना, इट्स हार्ड फॉर देम। तो उन्हें भी चांस मिल जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास और डिपार्टमेंट्स है जैसे सच एज बिजनेसेस। तो बिजनेस जो है अगर ये भी इसमें भी इन्वेस्ट किया जाए तो ये भी हमारे मुल्क को बहुत चेंज कर सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। तो उन्हें जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, वो जो है अपना जो जॉब है वो कर पाएंगे। तो बिजनेसेस हमारी इकोनॉमीज को भी चेंज कर सकती है। इसके बाद जो है इंडस्ट्रीज, शायद ये सेकंड नंबर पर हो रखे, क्योंकि जब तक इंडस्ट्रीज जो है अपना काम नहीं चलाती, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो कि हम खुद बना रहे हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर है जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लैंड है जिससे हम काम ले सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ यू नो फार्मिंग एंड डिफरेंट चीज़ें जो हम जिसमें ले करते हैं, उसकी वजह से जो है हमारी फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो फार्मिंग भी हो जाएंगे। और अभी मैं बात कर रहा था इंडस्ट्रीज के बारे में, तो इंडस्ट्रीज भी जो है उस पर भी वो स्टेप्स लेंगे ताकि जो इंडस्ट्रीज है हमारी they can move on and they can start their own things। तो ये अपने प्रोडक्ट जो बनाना है that's really important, ताकि हमारा मुल्क भी जो है different product जो है बाहर मुल्क जो industrial चीज़ें या जैसे कोई चीज़ बना ली वो भी export कर पाए, तो इससे हमारी economy भी अच्छी होगी। तो this is what I understand that अगर हमारे industries पर काम किया जाए, आईटी पर काम किया जाए, एग्रीकल्चर पर किया जाए, बिजनेसेस पर किया जाए, ख़ास करके जो डिफेंस है उस पर काम किया जाए। जैसे कि इन द सिटीज अगर हम काम करें, जो ये इन्वेस्टमेंट हो रही है इसमें जो डिफेंस पर काम हो जाए, दैट विल ब्रिंग यू नो बिग चेंज, क्योंकि इस्लामाबाद इट्स यू नो कैपिटल सिटी, इस पर काम हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर जो और सिटीज है वो जो रहती है उस पर भी इन्वेस्ट किया जाए और ये जो यू नो पीपल को अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, दे विल नॉट ट्राई टू
seen, and there were not, there would be less thieves, rather I would say. और अगर हम हमारे इतनी ज़्यादा policies हैं, अगर हम उन policies को implement करें rather than making other policies, अगर हम उन्हीं policies को implement करें, that will also bring change. जैसा कि strict rules which is happening in other countries, it would be harder for us. हमारे लिए मुश्किल होगा definitely. But हो सकता है, everything is possible. तो ये investment जो है मेरे ख्याल में it will change our country, it will change the people, it will change their mindset. They will not try to catch people and drop them. Rather they would think of developing themselves. हमारे लोग ये सोच नहीं करेंगे कि यार ये बंदा ऊपर ना जाए या ये बंदा successful ना हो जाए. Rather वो ये सोच करेंगे कि यार how can we try to develop ourselves. क्योंकि जो लोग बेरोजगार होते हैं, काम नहीं होता, definitely उन्हें कुछ करना होता है. तो वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर. तो जब उन्हें एक खास काम, मखसूस काम मिल जाएगा and they will work on it, it will also change their mind. So this is what I think, this is what my opinion is. कि उस मिनरल जो रिकॉर्ड है कि उसके बाद अगर हम इन सारे डिपार्टमेंट्स पर काम करें, ये हमारे मुल्क को बड़ा चेंज कर सकते हैं और इट कैन अफेक्ट आवर कंट्री इन अ बेटर वे रादर देन अ बैड वे. तो अगर इस जो इन्वेस्टमेंट है इसे अगर सक्सेसफुल होना है, वी नीड डिफेंस एंड आवर कंट्री द पाक आर्मी, the prime minister and you know foreign minister, whoever that is, they have to work and making sure that our country does not face any kind of difficulties in this situation. Because agar is situation mein kuch bura ho gaya, ye investment jo hai it can flop aur ye jo hai hamari country ko phir se affect kar sakta hai in a bad way. तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स रखने चाहिए ताकि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है दे गेट बेटर एंड बेटर और उन्हें हम सहूलत भी प्रोवाइड करें सो दैट इट कैन बी इजी. अच्छा, इसके साथ जो और होगा वो है मशीन्स, डेवलपमेंट इन मशीन्स. हमारे जो कंट्री है उसमें लैक ऑफ मशीन्स है, जैसे कि रोबोट्स हो गया. मतलब रोबोट्स खैर दैट्स समथिंग एल्स, बट ये जो मशीन्स है जैसे कि माइनिंग मशीन्स, एग्रीकल्चर के जो ट्रैक्टर्स एंड थिंग्स हो गए, ये भी ज़रूरी है. तो ये भी हमें जो है मिल जाएंगे. और अगर हम बात करें रोबोट्स की तो वो भी हमारे मुल्क में ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो कि हर चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं. थोड़ा दैट्स हार्ड बट यू नो फॉर देम इट विल बी ईजी. तो ऐसे लोग टैलेंटेड लोग भी है जो कि हमारे कंट्री को फिर खुद सर्व कर सकते हैं या रोबोट्स बनाएंगे या डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे. टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी, दे कैन वर्क बाय देयर ओन. नाउ अगर हमारे कंट्री में डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया, द वन पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू गेट इज टूरिज्म, जो कि नो वन हैव थॉट अबाउट. टूरिज्म जो है इट विल ऑल्सो चेंज अवर कंट्री, क्योंकि हमारे कंट्री में इतने अच्छे खूबसूरत जगह हैं जो कि हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए या किए भी है तो लोग नहीं आ रहे क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, और उसी की वजह से वी आर नॉट गेटिंग टूरिस्ट. और अगर हमें मिल जाए टूरिस्ट, मीन्स टूरिस्ट अट्रैक्शन इधर आ गई हमारे मुल्क में, इट विल ऑल्सो चेंज अवर इकोनॉमी. तो ये जो है मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर एक चीज़ हमारी कंट्री की चेंज हो रही ना, जो है डिफेंस या सिक्योरिटी इश्यूज, ये ठीक हो गए, बाकी हर चीज़ सेट हो सकती है. तो फर्स्ट स्टेप जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसका फर्स्ट स्टेप ही रहना चाहिए डिफेंस और सिक्योरिटी पे. उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द बिलियन डॉलर्स है उन्हें अदर डिपार्टमेंट में लगाना चाहिए और it can help us along. So this is what I believe, that what changes can it bring, it's huge and not everyone can think about it. So ye investment jo hai hamare country ko economically, politically, people, everything
विद चेंज। तो आप भी जो है इसमें जो है अपनी कोशिश करें कि यू डू नॉट डू एनी डिस्टर्बेंस, और जो जितने भी बुरे काम है जो कि थीव्स एंड ऑल दे। सो दिस इज व्हाट आई थिंक व्हाट चेंजेस इट कैन ब्रिंग इन आवर कंट्री। एंड या इट्स क्लियर दैट आवर कंट्री इट्स गोइंग टू गो टुवर्ड्स बेटरमेंट, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि सक्सेस जो है वो किसी को भी आसानी से नहीं मिलती। सक्सेस जो है उसे पाने के लिए चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, और वो चैलेंजेस को फेस करने के बाद वी विल गेट सक्सेस। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि अगर ये चेंजेस लानी है तो डिफेंस पर काम करना पड़ेगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उस पर काम जारी रहेगा, इट विल नॉट गेट डिस्टर्ब। तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है और इस इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल होकर देखना है, हमें अपना पार्ट भी इसमें करना चाहिए। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट इट, और जो भी चेंजेस ये दे वांट टू डू वी शुड एक्सेप्ट इट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चेंजेस एक्सेप्ट करो जो कि आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, नहीं मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी चेंजेस आ रही है पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली उसे अडेप्ट करें, उसे लें, उस पर काम करें, क्योंकि आज का जमाना इट्स गोइंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी NIT और उसके बाद जो है व्हेन वी गेट टुवर्ड्स IT एंड टेक्नोलॉजी व्हेन वी गो टुवर्ड्स दैट वे सो इट विल हेल्प अस अ लॉट, और हमारे जो लोग हैं इनकी जो सोच है ये भी तब्दील होगी। सो दिस इज व्हाट आई थिंक दैट अगर हम अपने मुल्क की खिदमत करें और हम विदाउट डिस्टर्बिंग दिस इन्वेस्टमेंट, अगर हम थोड़ा भी इसे तकलीफ देंगे इट कैन गो टुवर्ड्स नेगेटिव और या ये फ्लॉप भी हो सकती है। तो वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट सक्सेसफुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आनी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आनी है, बट वी डोंट हैव टू गिव अप, क्योंकि यही लास्ट चांस है, यही चांस है कि हम चेंज हो अपने कंट्री को चेंज करें, वरना इसके बाद कोई भी मुल्क ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये दिस हैज गॉट अनसक्सेसफुल। सो वी हैव टू ट्राई टू मेक इट सक्सेसफुल, इसके बाद जो है और मुल्क भी ये जो हेल्प करेगी, और जो कर्जा है खास करके वो भी हम चुका सकते हैं। So we have to try our best to work on it and make it successful. Most importantly, to see our country successful on a higher level. So this is what I believe, and this is what the changes I can see in our country being, accepted. So आज के लिए इतना ही था। तो I hope that everyone liked the video. So मिलते हैं अगले शाम में topic के साथ. Till then, stay tuned. Allah.